हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा अष्टमी में माता रानी दुर्गा अपनी रुद्र अवतार लेकर महिषासुर का वध करते हैं और महिषासुर में विजय प्राप्त करते हैं। इसी उद्देश्य से माता रानी का स्थापना किया जाता है कि महिषासुर का वध करके उस पे विजय प्राप्त किए हैं। माता दुर्गा का स्थापना प्रत्येक हिंदू वासी स्थापना करते हैं और अपने अपने माध्यम से उसकी सेवा भाव करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा ऐसे राज्य में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली लोगों का नवरात्रि प्रमुख त्यौहार होते हैं और यह पूरे नवरात्रि में 9 दिन तक माता रानी का बहुत ही अच्छे से सेवा भाव और त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इसमें सभी हिंदूवासी अपने अपने क्षेत्र में माता रानी का स्थापना करते हैं और 9 दिन तक सेवा भाव से पूजा करते हैं। इसके अलावा भारत देश के अलावा अलग अलग अन्य देशों में जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इन जैसे बड़े बड़े जो देश है वहाँ पे भी माता रानी दुर्गा का स्थापना किया जाता है और उसका पूजा अर्चना की जाती है। तो यह बहुत ही बड़ा पर्व होता है, हिंदू वासियों के लिए उत्सव का पर्व होता है जिसमें सभी व्यक्ति अपनी जो है मनोकामना पूर्ति के लिए जोत जलाते हैं, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ण करने के लिए अलग अलग तरीके का जो है मन्नत मांगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।